कैसे हो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़ यानी कि बायोलॉजी का एक और सबसे बढ़िया चैप्टर कहते हैं हम इसे, यानी कि प्लांट टिश्यूज़ वनस्पति पेशी। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये पेशी होती क्या चीज़ है। तो जब ये कोश यानी कि जो सेल्स जब एक साथ इकट्ठा हो जाए तब हम उसे कहते हैं टिश्यू यानी कि पेशी। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, टिश्यू इज़ अ क्लस्टर ऑफ सेल्स डेटर अलाइक इन कन्फिग्रेशन एंड वर्क टुगेदर टू अटेंड ए स्पेसिफिक फंक्शन। इसका मतलब क्या हो कि वो सब मिलके एक किसी पर्टिकुलर काम के लिए इकट्ठा होते हैं तब हम उसे कहते हैं पेशी। गुजराती में कहूँ तो तेओ एक विशिष्ट कार्य प्राप्त करवा माटे साथे मड़ीने कार्य करे छे। दूसरी क्या चीज़ होती है कि ये इनके बहुत सारे प्रकार होते हैं, डेट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज इंक्लूड परमानेंट एंड मेरिस्मेटिक टिश्यूज। तो दो तरह की होती है मेनली, एक होता है परमानेंट यानी कि स्थायी और मेरिस्मेटिक यानी कि वर्धनशील पेशी। आप यहाँ डायग्राम देख पा रहे होंगे एक प्लांट टिश्यूज, उसमें ये जो चीज़ है वो है जब आप किसी प्लांट को काटोगे और उसका जो सर्कुलर पार्ट ऊपर होगा हम उसे कहते हैं वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो उसमें जो बीच में जो चीज़ होती है वो होती है जाइलम और फ्लोएम, जो कि आप अभी आगे पढ़ेंगे। दूसरा हम एपिडर्मिस भी पढ़ेंगे, आइए पढ़ते हैं आगे इसके बारे में। पहले हम पढ़ेंगे वर्धनशील पेशी के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये क्या चीज़ होती है, दिस टिश्यूज हैव कैपेबिलिटी टू डेवलप बाय स्विफ्ट डिवीजन, यानी कि इनमें क्षमता होती है कि ये स्विफ्ट डिवीजन द्वारा अपने आप को बढ़ा सकते हैं, यानी कि गुजराती में कहूँ तो स्विफ्ट डिवीजन द्वारा विकास करवाने क्षमता हो। दूसरी क्या चीज़ होती है, क्या दे असिस्ट इन मेजर ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, यानी कि जो पौधे को ग्रोथ है उनमें सबसे ज़्यादा मदद यही पेशी करती है, यानी कि वर्धनशील पेशी करती है। दूसरा, ग्रोथ इन लेंथ एंड ग्रोथ इन डायमीटर ऑफ प्लांट आर कैरिड अबाउट बाई दिस सेल, यानी कि यही जो हमने अभी भी ऊपर पढ़ा वही चीज़ है। ग्रोथ इन लेंथ यानी कि जो प्लांट की लंबाई है, यानी कि वो कितना बड़ा होगा। जैसे एक पेड़ जब छोटा होता है तब वो पौधा होता है, फिर जब बड़ा होता है तब पेड़ का आकार और विशाल बन जाता है। तो वो जो विशाल बनने की प्रक्रिया है वो इसी पेशी के द्वारा होती है। दूसरा कि द मेरिस्मेटिक सेल्स आर क्यूबिकल लिविंग सेल्स विद अ बिग न्यूक्लियस। अ बिग न्यूक्लियस यानी कि इनके अंदर सिर्फ एक ही कोश होता है, यानी कि न्यूक्लियस होता है और वो भी बहुत बड़ा। क्यूबिकल यानी कि ये स्क्वायर टाइप के होते हैं। दूसरा, दीज सेल्स आर मेटिकुलसली क्रैम्प्ड विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी कि इनके कोशों के बीच में दरारें नहीं होती, कोई जगह नहीं होती, ये सब चिपके चिपके हुए होते हैं। दूसरा कि अगर गुजराती में कहूँ तो बेकोशो बच्चे कोई अंतरकोशो जगह होती नहीं। दूसरा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि डिपेंड्स ऑन द सेक्शन वेयर द मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर एग्जिस्टिंग, दे आर कैटेगराइज एज मेरिस्टेम, इंटरकेलरी, लेटरल एंड एपिकल। अभी जो ये वर्धनशील पेशी है उसे और आगे तीन भागों में बांटा गया है, जो कि एक है इंटरकेलरी, दूसरा है लेटरल और तीसरा है एपिकल। अभी हम आगे तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला होता है एपिकल मेरिस्टम यानी कि अग्रस्त पेशी, जो कि वर्धनशील पेशी का एक प्रकार है, पहला प्रकार। ये क्या चीज़ होती है, इट एग्जिस्टेंट ऑन द ग्रोइंग टिप्स और एपिकल ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, यानी कि जो सबसे आगे वाला भाग होता है यानी कि टिप होती है रूट या स्टेम की, वहाँ पे ये पाया जाता है। दूसरा, कैपिकल मेरिस्टम अपसर्जेस द लेंथ ऑफ द प्लांट, यानी कि जो पौधे की लंबाई होती है वो यही काम करता है। गुजराती में कहूँ तो छोड़नी लंबाई अपसर्ज करे छे। दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टम यानी कि पार्श्वीय पेशी, जो वर्धनशील पेशी का दूसरा प्रकार है। ये कहाँ रहती है, इट एग्जिस्टेंट इन द रेडियल पोर्शन ऑफ द स्टेम और रूट, यानी कि जो स्टेम के अंदर का भाग है यानी कि जो बीच का जो भाग है वहाँ पे ये पाई जाती है स्टेम या रूट के। दूसरा कि लेटरल मेरिस्टम ऑब्सर्जेस द थिकनेस ऑफ द प्लांट,
जैसे कि हमने ये पढ़ा कि एपिकल जो पेशी होती है वो पौधे की लंबाई देखती है, तो ये जो पार्श्वीय पेशी होती है वो थिकनेस ऑफ द प्लांट यानी कि जो प्लांट कितना मोटा होगा वो ये कंट्रोल करता है। अगर गुजराती में कहूँ तो छोड़नी जाड़ाई में वधारो थाई छे, यानी कि जो छोड़ की जो जाड़ाईपन है वो बढ़ना या घटना वो इसके द्वारा होता है। दूसरा है इंटरकलरी मेरिस्टम यानी कि अंतर्विष्ट वर्धनशील पेशी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये भी एक तीसरा प्रकार है वर्धनशील पेशी का। तो ये कहाँ पाया जाता है? इट इज़ फाउंड एट द इंटरनोड्स और एट द बेस ऑफ लीव्स, यानी कि जो पेड़ या पौधों के जो पत्ते होते हैं लीव्स होते हैं उनके अंदर में पाया जाता है, इंटरनोड्स और एट द बेस ऑफ द लीव्स। दूसरी चीज़ है कि ये काम क्या करता है? तो इंटरकलरी मेरिस्टम अब सजेस द साइज ऑफ इंटरनोड, यानी कि जो साइज़ होती है उन इंटरनोड्स की उनको ये कंट्रोल करता है, इंटरनोड ना कद में वधारो करे। यहाँ आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, तो इसमें जो हमने पहली वर्धनशील पेशी का प्रकार देखा तो वो कहाँ होता है? टिप पे हमने पढ़ा सबसे ऊपर में एपिकल पेशी यानी कि, दूसरा इंटरकलरी मेरिस्टम जो कि आता है बीच में, और लेटरल मेरिस्टम जो कि लास्ट में आता है रूट्स के पास आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है, ओल्ड मेरिस्मेटिक सेल्स लूज द कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट एंड कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यूज, यानी कि जो पुराने जो वर्धनशील कोष होते हैं वो अपनी क्षमता खो बैठते हैं आगे बढ़ने की, तो वो स्थायी पेशी में बन जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, जब ये वर्धनशील कोष जब स्थायी कोष में आ जाते हैं तो उन प्रक्रिया को हम कहते हैं तफावत यानी कि डिफरेंशिएशन। प्रोसीजर ऑफ कैप्चरिंग अ परमानेंट फंक्शन साइज शेप इज टर्म्ड एज डिफरेंशिएशन। दूसरी चीज़ ये है कि परमानेंट टिश्यूज क्या होती है, यानी कि हमने अभी अभी पढ़ा जो वर्धनशील पेशी जब पुरानी हो जाती है तब वो स्थायी पेशी बन जाती है, यानी कि अब हम स्थायी पेशी के बारे में पढ़ेंगे तो वो क्या चीज़ होती है? दोज सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट बट आर स्पेशलाइज टू ऑफर इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, दिस टिश्यूज कैन बी एडिशनली कैटेगराइज इंटू। हमने वही चीज़ पढ़ी कि जो कोष जो होते हैं पहले के जो बहुत नए होते हैं जब वो पुराने हो जाते हैं तब वो स्थायी पेशी बन जाती है, उनमें क्षमता नहीं होती आगे काम करने की यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हम कहते हैं उसे, तब उनमें इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी और ताकत अभी भी होती है, इसलिए हम उन्हें फिर स्थायी पेशी कहते हैं। तो उन्हें और भी दो प्रकार में बांटा गया, तो एक होती है सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि सरल स्थायी पेशी, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जटिल स्थायी पेशी। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि उन्हें और तीन भागों में बांटा गया जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो सब इसी के प्रकार है सिंपल परमानेंट टिश्यूज के। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्क्लेरेन्काइमा कोलेन्काइमा एंड पैरेन्काइमा बेस्ड ऑन देयर पर्पस, यानी कि उन्हें और तीन भागों में बांटा गया है उनके काम के आधार पर। दूसरी चीज़ ये है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या चीज़ होती है, तो इनमें दो प्रकार की बहुत जैसे कि कहूँ तो बहुत ज़्यादा काम की पेशियाँ होती है, तो एक होता है जाइलम दूसरा होता है फ्लोएम, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। दिस टिश्यूज इंक्लूड फ्लोएम एंड जाइलम, फ्लोएम और जाइलम नाम की पेशी इनमें होती है। दूसरा जाइलम इज़ वैल्यूएबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्युबल कंस्टिट्यूएंट्स, इसके बारे में अभी आगे पढ़ोगे। जाइलम क्या चीज़ होती है कि वो पानी और दूसरी ऐसी चीज़ें जो पानी में डिजॉल्व हो सके यानी कि मिक्स हो सके उनको ये ट्रांसपोर्ट करती है पौधों के अंदर। दूसरा जाइलम इज़ मेड ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा फाइबर्स वेसल्स एंड ट्रेकियर, यानी कि ये कह रहा है कि जाइलम पेशी किन किन चीज़ों से बनी होती है,
तो एक होता है जाइलम पैरेन्काइमा फाइबर्स और वेसल्स एंड ट्रेकियस। दूसरी पेशी होती है फोलियम, जो कि वैल्यूएबल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, यानी कि ये खाना पहुंचाती है पौधों के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक। अब ये किन चीज़ों से बनी होती है, तो फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, कंपेनियन सेल्स, सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब्स, इन चीज़ों से ये फ्लोएम बना होता है। और जब जाइलम और फ्लोएम दोनों को जटिल स्थायी पेशी में कंसिडर किया गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कंसिडर किया गया। दूसरी चीज़ ये है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में हमने अभी भी आगे पढ़ा कि वो तीन प्रकार में बांटी गई है उनके काम के द्वारा आधार पे। तो वो कौन सी चीज़ है, तो पहली आती है कोलेनकाइमा, यानी कि स्थूल कोणक पेशी। दूसरी होती है स्क्लेरेनकाइमा, डरोसक पेशी। तीसरी होती है पैरेन्काइमा, यानी कि मृद्युतक पेशी। तो स्थूल कोणक पेशी में होती क्या चीज़ है, दीज आर स्ट्रेच्ड आउट लिविंग सेल्स विथ माइन्यूट इंटरसेलुलर गैप्स, यानी कि ये ऐसी पेशियां होती हैं जो कि ऐसे कोशों से बनी होती है कि उनके बीच में थोड़ी सी दरार रह जाए, यानी कि गैप्स रह जाए। उन पेशियों को हम कहते हैं कोलेनकाइमा, यानी कि स्थूल कोणक पेशी। दूसरा आता है देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोस, यानी कि जो उनकी कोश दीवार होती है वो पेक्टिन और सेलुलोस से बनी हुई होती है। तीसरा कि कोलेनकाइमा इज फाउंड इन द मार्जिनल रीजन्स ऑफ लीव स्टेम्स एंड ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी विद द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड मैकेनिकल सपोर्ट इन प्लांट्स, यानी कि जो स्थूल कोणक पेशी होती है वो पत्तों में, उनकी स्टेम्स में पाई जाती है और उन्हें स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क और मैकेनिकल सपोर्ट देती है, यानी कि उन्हें खड़ा रहने की ताकत और अगर उनके सपोर्ट करती है उन्हें उनके सिस्टम्स को। अगर गुजराती में कहूँ तो माड़खा है क्या माड़खा अने छोड़मा यांत्रिक सपोर्ट साथ सुगमता आपे छे। अब दूसरी पेशी के बारे में बात करते हैं, यानी कि डड़ोजक पेशी, यानी कि स्क्लेरेनकाइमा। तो ये क्या चीज़ होगी, दीज आर एलोंगेटेड डेड सेल्स विथ लिग्निन डिपॉजिट्स इन देयर सेल वॉल। दीज आर एलोंगेटेड डेड सेल्स, यानी कि ये मृत कोश होते हैं जो कि कोश दीवार के ऊपर पाए जाते हैं। तो ये इन्हें डेड क्यों कहा गया, यानी कि इनको मृत क्यों कहा गया, जैसे कि हमने आगे पढ़ा जब ये वर्धनशील पेशी पुरानी हो जाती है तब ये स्थायी पेशी में आ जाती है, यानी कि पुरानी होने के मतलब है कि लगभग मरने वाली होती है, इसलिए इन्हें स्थायी पेशी हो जाती है। और इनमें जो मर जाती है वो हम उन्हें कहते हैं डड़ोदक पेशी, यानी कि स्क्लेरेनकाइमा, जो कि कोश दीवार में पाई जाती है। तेमना कोशों ने दीवार ने लिग्निन थापना वाला मृत कोशों देव नो इंटरसेलुलर गैप्स। जैसे कि आपने स्थूल कोणक पेशी यानी कि कोलेनकाइमा में पढ़ा कि उनके बीच में, उनके पेशियों के बीच में थोड़ी सी दरार होती है, यानी कि गैप होती है, पर स्क्लेरेनकाइमा में ऐसा नहीं होता, उनके बीच में कोई भी दरार नहीं होती, वो एक से एक चिपक के रहते हैं। दूसरा कि स्क्लेरेनकाइमा इज़ फाउंड इन द कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स अराउंड द वेस्कुलर टिश्यूज इन स्टेम्स एंड वेन्स ऑफ लीव्स, यानी कि जो पत्तों की वेन्स है, जैसे कि हमारी नसें होती है वैसे उनकी वेन्स होती है, उनमें ये सब चीज़ें पाई जाती है। दूसरी जो सीड्स यानी कि जो बीज होते हैं उनके उनके कवरिंग में पाए जाते हैं, जैसे कि कोई फल हो तो उनके अंदर बीज है तो जो फल पे ये चीज़ पाई जाती है। दूसरा स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड्स थ्रेट टू द प्लांट्स, यानी कि ये पौधों को ताकत देती है क्योंकि ये सेल यानी कि कोश दीवार के ऊपरी भाग में होती है, इसलिए उनको मदद करती है टिक पाने में। दूसरा स्क्लेरेनकाइमा छोड़न शक्ति प्रदान करे छे। तीसरे पेशी के बारे में हम पढ़ेंगे तो वो है मृद्युतक पेशी, यानी कि स्थायी पेशी का तीसरा प्रकार। तो ये कैसी होती है, दीज आर अलाइव पॉलीगोनल
सेल्स विद बिग सेंट्रल वैक्यूल हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस एमिडिस्ट देम। यानी कि हमने अभी भी पढ़ा कोलेनकाइमा में थोड़ी सी गैप होती है, यानी कि दरार होती है। स्क्लेरेनकाइमा में गठोदक पेशी में बिल्कुल भी नहीं होती, पर पैरेनकाइमा में ज़्यादा होती है इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि उनमें दरारें ज़्यादा होती है। दूसरा है कि पैरेनकाइमा सेल्स क्रिएट ग्राउंड टिश्यूज एंड पिथ। यानी कि हमने आगे एक चित्र देखा, उसमें ग्राउंड टिश्यू नाम की एक चीज़ थी, वो यही चीज़ है। यानी कि जो पैरेनकाइमा के कोष होते हैं वो ग्राउंड टिश्यू यानी कि जमीन पेशी को बनाते हैं। दूसरा, पैरेनकाइमा कंप्राइजेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट टर्म्ड एज क्लोरेनकाइमा। यानी कि जो पैरेनकाइमा कोष होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित कण नाम के चीज़ बनाते हैं, जो कि हम उन्हें कहते हैं क्लोरेनकाइमा। यानी कि हरित कोण तक लीला रंगनु रंजक द्रव्य युक्त हरित कण धरावे तो तेने हरित कणों तक कहे छे। दूसरा कि जो क्लोरेनकाइमा होता है वो फोटोसिंथेसिस में काम आता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो ये है वो जाइलम ऑफ फोरेन जो कि आता है जटिल स्थायी पेशी के दो प्रकार। तो ये किस प्रकार के होते हैं, अगर मैं गुजराती में कहूँ तो छोड़ो ना महत्वपूर्ण तत्व। तो पहला है जाइलम यानी कि जलवाहक पेशी हम कहते हैं इसे। तो ये मैंने अभी अभी आगे आपको इनके बारे में बता दिया, पर हम अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंसेस एंड वाटर ऑल थ्रू द प्लांट। यानी कि पूरे पौधे में पानी पहुंचाने का काम जलवाहक पेशी का है। दूसरा, अगर गुजराती में कहूँ तो ते छोड़ो द्वारा ओगड़ेला पदार्थों अन्य पानी ने परिवहन में मदद करे छे। दूसरा, द डाइवर्स कंपोनेंट्स ऑफ द जाइलम इंक्लूड्स वेसल्स ट्रेकियर्स जाइलम फाइबर्स जाइलम पैरेनकाइमा। तो ये चीज़ें बता रही कि जलवाहक पेशी में क्या क्या किन किन चीज़ों से बनी हुई होती है। तो उसमें ये सब चीज़ आती है, वेसल्स आता है, ट्रेकियर्स आता है, जाइलम फाइबर्स आते हैं और जाइलम पैरेनकाइमा आता है। दूसरा कि जाइलम फाइबर्स और ट्रेकियर्स आर मेड अप ऑफ लिग्निन विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट। यानी कि जो जिन चीज़ों से ये बना होता है जलवाहक पेशी, उनमें जाइलम फाइबर्स और ट्रेकियर्स भी होता है जो कि बना होता है लिग्निन से, और वो उन्हें पौधों को खड़ा रहने में मदद करता है, यानी कि उन्हें स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। जो छोड़ो ना मड़का है सपोर्ट पूरा पाड़े से। आप यहाँ उनका चित्र देख पा रहे होंगे, जाइलम वेसल और फ्लोएम वेसल का। तो उनमें दिखाया गया कैसे इसमें पानी आगे बढ़ता है और इसमें फ्लोएम में खाना पाया जाता आगे बढ़ता है। इनमें एक और चीज़ है कि जो जलवाहक पेशी होती है उनमें पानी सिर्फ एक ही तरफ जाता है, यानी कि जो ज़मीन में से पूरे हर पौधों में जाता है, और जो फ्लोएम यानी कि अनुवाहक पेशी होती है उनमें खाना ऊपर भी और नीचे भी जाता है। ये इन चित्र में बताया गया। दूसरा कि ये जो जलवाहक पेशी होती है उनमें थिक वॉल्स होती है, यानी कि उनकी कोष दीवार बहुत ज़्यादा थिक होती है लिग्निन के कारण, और इनकी जो फ्लोएम की जो कोष दीवार होती है वो थोड़ी पतली सी होती है। चलो इनके बारे में पढ़ लेते हैं, फ्लोएम यानी कि अनुवाहक पेशी के बारे में। तो दिस टिश्यू हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ऑल थ्रू द प्लांट। यानी कि ये अन्न पहुंचाने का काम करता है पूरे पौधों में। आप पेशियों छोड़ो ना आखा खोराक ने परिवहन करवामा मदद करे छे। दूसरी चीज़ ये कि डाइवर्स एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम इंक्लूड्स फ्लोएम फाइबर्स सीव ट्यूब्स फ्लोएम पैरेनकाइमा एंड कंपेनियन सेल्स। ये चीज़ें बता रहे कि अनुवाहक पेशी में कौन सी चीज़ें आती है। तो ये थोड़े टॉपिक्स हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, पर मैं आपको एक बार ये चीज़ बता देता हूँ। दिस प्रोवाइड फोर्टिफिकेशंस ऑफ द प्लांट दे इंक्लूड द कॉर्क एपिडर्मिस। यानी कि ये पौधों के बहुत ही ऐसे पेशी है जो कि उन्हें
प्रोटेक्ट करती है यानी कि बचा के रखती है। तो इनमें दो और प्रकार होते हैं, तो एक होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है कॉर्क। तो एपिडर्मिस क्या चीज़ होती है कि इट इज़ अ लेयर ऑफ दैट सेल दैट मेक्स अप मेकिंग अप एन आउटर केसिंग ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स इन द प्लांट्स, यानी कि जो भी प्रकार के स्ट्रक्चर्स इन पौधों में होते हैं उन चीज़ों को बनाने के लिए एपिडर्मिस यानी कि इनकी कोश की पटल होती है जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। दूसरी आपने चीज़ पढ़ी कि इनके लीव्स पे एक स्टोमेटा नाम की चीज़ होती है जो कि होती है पोर्स। पोर्स क्या चीज़ करती है कि जो गैसेस होती हैं उनके आने जाने का रास्ता बनाती है। तो स्टोमेटा परफोरेट द एपिडर्मिस एट सर्टेन प्लेसेस, स्टोमेटा हेल्प्स इन लॉस ऑफ वाटर एंड गैसियस एक्सचेंज, जो कि मैं अभी भी बोला। कॉर्क क्या चीज़ होती है, दिस इज द एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू विच सब्स्टिट्यूट द एपिडर्मल सेल्स इन मैच्योर स्टेम्स एंड रूट्स, यानी कि जो ये भी एक प्रकार की प्रोटेक्टिव टिश्यू है यानी कि बचाने के लिए एक पेशी है जो कि एपिडर्मल सेल्स यानी कि जो हमने अभी भी आगे पढ़ा उनको मैच्योर स्टेम्स और रूट्स में उनके साथ पाई जाती है। दूसरा कि कॉर्क सेल्स आर लाइफलेस एंड लैक इंटरसेलुलर गैप्स, यानी कि उनके बीच में दरारें नहीं होती है कॉर्क सेल्स के बीच में, एंड देयर सेल वॉल्स आर कोएगुलेटेड विद सेबरिन विच मेक्स देम इम्पर्वियस टू गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ये थोड़े क्वेश्चंस हैं जो कि आप मुझसे पूछ, अगर ना आए तो डाउट मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे या नीचे कमेंट सेक्शन में। दूसरा ये है गुजराती में, वही सेम क्वेश्चन से आप जितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो कर लेना। इन सब के आंसर्स आपको इसी पूरे वीडियो में कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। थैंक यू।